फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्रेगनेंसी ज्ञान में, जहां हम आपको बताते हैं प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई हर छोटी और बड़ी बातों के बारे में। सेरोगेसी बिल हुआ पास, अब हर किसी को नहीं मिलेगी किराए की कोक। तो दोस्तों, इसके बारे में जानने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नीचे दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि और भी वीडियोस आप आसानी से देख सके। सेरोगेसी यानी किराए की कोक, पिछले एक दशक में ये टर्म बहुत फेमस हो गया है। इसका फेमस होने का मुख्य रीजन फैशन सेरोगेसी यानी सेलिब्रिटियों का सेरोगेसी के जरिए माँ बाप बनने के अलावा भारत का सेरोगेसी हब बनना भी है। काफी समय से देश भर में सेरोगेसी की लंबी लहर चल रही है। सेरोगेसी को व्यवस्थित करने के लिए लोकसभा ने सेरोगेसी बिल पास किया है। इस बिल के तहत कमर्शियल सेरोगेसी को प्रतिबंधित किया गया। सिर्फ मदद के मकसद से करीब रिश्तेदारों द्वारा सेरोगेसी अपनाए जाने को ही कानून करार देने का प्रावधान इस बिल में है। बिल के मुताबिक समलैंगिक सिंगल पेरेंट और लिव इन पार्टनर्स किराए की कोक नहीं ले पाएंगे। हालांकि कुछ महिलाएं सांसदों ने मांग की है कि सिंगल पेरेंट सेरोगेसी के जरिए माता या पिता बन सके, इसके लिए बिल में प्रावधान होना चाहिए। आइए जानते हैं कि इस नए बिल के अनुसार सेरोगेसी से जुड़े हुए कुछ नए नियमों में क्या है। सेरोगेसी का मतलब क्या होता है? सेरोगेसी यानी किराए की कोक, मेडिकल कारणों के अलावा कपल अपने बच्चे पैदा करने के लिए किसी महिला की कोक किराए पर लेते हैं। किराए की कोक देने वाली महिलाओं को सेरोगेट मदर कहा जाता है। IVF टेक्नोलॉजी के जरिए पति के स्पर्म और पत्नी के एग्स से बने एम्ब्रियो तीसरी महिला के कोक में इंजेक्ट किया जाता है। इससे जो बच्चा जन्म लेता है उसका DNA सेरोगेसी कराने वाले कपल का ही होता है। बिल लाने का मकसद, पिछले कुछ साल में भारत सेरोगेसी हब कहलाया जाने लगा था क्योंकि यहाँ कम खर्च में किराए की कोक मिल जाती थी। ग्रामीण और गरीब तबके से आने वाली महिलाएं ज्यादातर सेरोगेट मदर बन रही थी। एक अनुमान के मुताबिक सेरोगेसी करवाने वाली महिलाएं IVF सेंटरों को 20 से 25 लाख रुपए देते हैं, लेकिन किराए पर कोक देने वाली महिलाओं को 40 से 50,000 रुपए ही मिलते हैं। भारत में सेरोगेसी की कीमत बहुत कम है। जहां भारत सेरोगेसी हब बन गया है, वहीं US, ब्रिटेन, नेपाल, थाईलैंड जैसे कई देश सेरोगेसी को गैर कानूनी करार दे चुके हैं। कौन करवा सकता है सेरोगेसी? सिर्फ वे कपल सेरोगेसी करा पाएंगे जो किन्हीं कारणों से माता पिता नहीं बन सकते। भारत में सेरोगेसी करवाने वाले कपल का भारतीय होना जरूरी है। विदेशी कपल को भारत में सेरोगेसी का फायदा नहीं मिलेगा। ऐसे कपल्स जिनकी शादी के 5 साल बाद भी बच्चा नहीं हुआ है, सेरोगेट मदर का करीबी रिश्तेदार होना जरूरी है। वह एक ही बार सेरोगेट मदर बन सकती है। सेरोगेट मदर और उनसे संतान चाह रहे कपल को सक्षम अधिकारी से एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लेना होगा। जिन कपल्स को पहले से ही बच्चे हैं वो सेरोगेसी नहीं करा सकते, हालांकि उन्हें एक अलग कानून के तहत बच्चा गोद लेने का अधिकार है। ये भी है ध्यान रखने वाली बात, सेरोगेट माँ की उम्र 25 से 35 साल के बीच में ही होनी चाहिए। वो ज्यादा से ज्यादा एक बार सेरोगेट मदर बन सकती है। अगर कोई इन सब के बावजूद भी कमर्शियल सेरोगेसी में संलिप्त पाया जाता है तो उन्हें 10 साल की सजा हो सकती है। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।